पायलट परिवार और अशोक गहलोत के बीच की अदावत काफी पुरानी है। राजस्थान की राजनीति में जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने एक साथ राजनीति शुरू की। दोनों गांधी परिवार के करीबी रहे, लेकिन दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक बार तो राजेश पायलट मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, लेकिन जादूगर ने ऐसी सियासी बिसात बिछाई कि पायलट का खेल बिगाड़ दिया। तभी से पायलट परिवार की दूसरी पीढ़ी और अशोक गहलोत में सियासी रंजिश कई किश्तों में सामने आती रही है। ये अदावत पुरानी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो अदावत चल रही है वो एक पीढ़ी पुरानी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट के बीच कई बार टकराव हो चुका है। राजेश पायलट नहीं बन पाए थे सीएम। सियासत में जादूगर के नाम से मशहूर अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी से सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को भी मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। गहलोत राजेश पायलट में 36 का आंकड़ा। बताया जाता है कि साल 1993 में अशोक गहलोत के संसदीय क्षेत्र जोधपुर में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि आपके सांसद अशोक गहलोत कहाँ हैं, तो पायलट ने कहा, बेचारे गहलोत होंगे यहीं कहीं। इसके कुछ समय बाद ही समय ने करवट ली और अशोक गहलोत राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और यहीं से शुरू हुआ राजेश पायलट के बैकफुट पर जाने का सिलसिला। गहलोत को हमेशा मिला वफादारी का इनाम। गांधी परिवार के वफादार होने का गहलोत को हमेशा इनाम मिलता रहा है। वो इंदिरा से राजीव गांधी और बाद में सोनिया गांधी के समय तक सत्ता का स्वाद चखते रहे। गांधी परिवार उन पर आंख मूंद कर भरोसा करता आया है, लेकिन 1993 का दौर ऐसा था जब सोनिया गांधी सक्रिय नहीं थी और गहलोत हाशिए पर चले गए थे। दूसरी तरफ पायलट का कद बढ़ रहा था। बागी तेवर से बैकफुट पर गए थे राजेश पायलट। एक बार फिर जादूगर का समय बदला। 1998 के बाद तो जैसे गहलोत की लॉटरी लग गई। सोनिया गांधी सक्रिय हुई और गहलोत का कद बढ़ने लगा। इधर गहलोत ने राजेश पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी का खुलकर विरोध किया था। राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हारने के बाद से राजेश पायलट पार्टी में अलग थलग पड़ते चले गए। इसके बाद साल 2000 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पायलट ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे जितेंद्र प्रसाद का साथ दिया। इसके कुछ महीने बाद ही एक सड़क हादसे में राजेश पायलट की मौत हो गई और यहीं से पुरानी पीढ़ी की अदावत खत्म हुई। लेकिन कुछ साल बाद नई पीढ़ी यानी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी रंजिश बढ़ने लगी। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।